ज्ञानवापी मस्जिद में ब्यास जी का तहखाना खुलने का आज चौथा दिन है और जो दर्शनार्थी हैं वो दूर दराज से काशी विश्वनाथ का दर्शन तो कर ही रहे हैं लेकिन ब्यास जी के तहखाने पर भी जा रहे हैं। पहले आपको मैं सुरक्षा दिखा दूं, देखिए गेट नंबर 4 पे मौजूद हूँ। यही से काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने का रास्ता है और यहीं से ही ज्ञानवापी मस्जिद में जाने का रास्ता है। तो सुरक्षा जो कल था वो सुरक्षा आज ही है क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जब से कोर्ट से आदेश आया कि ब्यास जी का तहखाना खुला जाएगा तब से सुरक्षा बढ़ा दी गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अंदर दर्शन करने के बाद बाहर पहुँचे हैं। पहले बताइए कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बनारस से ही हैं। हाँ, अपने ब्यास जी का तहखाने का दर्शन किया? दर्शन किया, झांकी दर्शन हम लोगों को अच्छा मिला और हम लोगों ने दर्शन किया, कायदे से किया। कैसा देखने में तहखाना लग रहा था? ना, बहुत पुराना लग रहा था और सब कुछ ऐसा ही लग रहा था कि जैसे बहुत पुरानी चीज़ हमारे हिंदू आस्था के हिसाब से खुली हुई है। एक बड़ी खुशी होगी और बड़ा लंबा प्रयास था फिर तहखाना खुला, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कहेंगे, अच्छी है, हिंदुओं के लिए जागरण हुआ है और सब कुछ बढ़िया ही है। अभी तहखाने का दर्शन किए? जी। कैसा लगा? अच्छा लगा, अद्भुत लगा। अपनी चीज हमारे पास वापस आई है, एक जो हमारी पुरानी चीजें थी जो हमें वापस मिली है और देखने पे विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोग तहखाने का दर्शन करके लंबे समय बाद, भाई हम लगभग 30-40 साल के बाद हम लोगों ने दर्शन किया इसे। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं कैसी थी वहाँ पे? ठीक है, अच्छी है, अपना है, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, कोई छूट नहीं रहा है, बढ़िया से दर्शन हो रहा है, अच्छी है दर्शन हो रहा है। क्या लग रहा है, नंदी जी की जो तपस्या था वो पूरी होती दिख रही है? एकदम पूरी हो गई। नंदी जी की तपस्या पूरी हो गई है, बस कुछ ही दिन में काशी विश्वनाथ में पूरा मस्जिद हटा के विश्वनाथ मंदिर का रिडोर, महादेव का जयघोष चले फिर आगे चले। हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए महादेव का जयघोष भी हो। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से हैं। हाँ, दर्शन कर लिया आपने? हाँ, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत मजा आई। क्या ब्यास जी के तहखाने में देखे? और जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा है एकदम वैसा ही था। पीछे दीवार हमने देखी, देखिए सामने दीवार दिख भी रही है, पूरा हिंदू मंदिर के ढांचे में है। और तहखाने में जब डाउन साइड देखेंगे तो पूरा साइड साइड पिलर है और जो तहखाने में जो एक्यूरेट था वही है। तहखाने में जो एक्यूरेट था वही था। हाँ, मतलब हिंदू मंदिर है यहाँ। अब लखनऊ जाकर क्या कहेंगे अपने घर पे? कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, ज्ञानव्यापी मंदिर है। अच्छा, मंदिर। हाँ, हालांकि वो तो कोर्ट की प्रक्रिया, हम लोग तो नहीं जीतेंगे। बाबा महाकाल हमारे साथ है, जीतेंगे। ये एक्यूरेट है, 125 करोड़ देशवासी इनके साथ हैं। कितने पुजारी थे अंदर? पुजारी एक थे। हाँ, पुजारी से क्या कहा आपने? हमने कहा जय महाकाल। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लखनऊ से भी लोग बनारस पहुँच रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब से व्यास जी का तहखाना खुला है तब से काशी ही नहीं पूरे देश के लोग व्यास जी के तहखाने में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक बार फिर तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देखिए सुरक्षा में लगे जवान, कल जैसे सुरक्षा हो रही थी ठीक उसी तरीके से सुरक्षा आज भी जारी है। लगातार जो देखिए वॉकी टाकी लेके पुलिसकर्मी मौजूद है, हाथ में डंडा है, उसके साथ ही जो कमांडो के लोग हैं, देखिए कमांडो के लोग भी पीछे मौजूद हैं। जब से तहखाने की बात चली है, आदेश हुआ है जिला जज के द्वारा, तब से सुरक्षा बरकरार है और सिक्योरिटी लेयर कई बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं वो काशी पहुंच रहे हैं और बम कह रहा हूं ना कि मैं बम बोल रही है काशी, यही वजह है लोग दर्शन पूजन करने के बाद अपने घर जा रहे हैं और तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।